मैक्सिमम दो दिन हो गए हैं इधर हरचंद भाई के गांव आए हुए रहीमी और खान ये जी हरचंद भाई को केक खिला रहे हैं जी। ये हुआ है होलिका और तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई आज का व्लॉग करते हैं शुरू। वो मजाक कौन सा भाई का आ रही है? अच्छा जी बाजी मैं बता भी जगह आ रही है। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं शुरू। भाई आज हम लोग जा रहे हैं स्पेशल लोगों के पास। दरअसल ना हम लोग गांव आए हुए हैं हरचंद भाई के। तो ये सीन है कि काफ़ी लोगों को जो ना जिन जिनको पता चल रहा है ना वो लोग जो ना इनवाइट कर रहे हैं हम लोगों को कि भाई मेहमानों को हमारे पास लेके आए, मेहमानों को हमारे पास लेके। आज हमने 3 से 4 लोगों के पास जाना है मिलने के लिए। तो भाई आज अब लोग हो गया शुरू। जो इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हरचंद भाई तैयार हो चुके हुए हैं फुल। हरचंद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया, बाकी फर्स्ट क्लास हैं जी। हरचंद भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या प्लान है हमारा आज? आज का जो प्लान है बहुत ही लंबा है, अनस्क्रिप्टेड है थोड़ा सा, ठीक है ना? अनस्क्रिप्टेड सर, हमारे सारे प्लान अनस्क्रिप्टेड ही होते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ना घर से निकलते कुछ और का ऑल प्लान है, उधर जाकर प्लान बदल जाता है, बदल जाता है प्लान। तो अभी तो जा रहे हैं जी, इधर हमारे एक भाई हैं उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, तो शॉप पर जाना है जी, और उनका फिर यानी कि वो हमारा कोई स्वागत वगैरह करेंगे फिर। स्वागत ही करोगे हमारा? और उसके अलावा एक और भाई के घर पे भी जाना है, और प्रोग्राम बन रहा है जी, कोई केक वगैरह कटिंग करने का बन रहा है, ऐसे देखते हैं अभी होगा या नहीं। तो भाई अभी हम लोग जो है निकल रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, अभी हम लोग निकल रहे हैं, हमारी बाइक जो है तैयार है बिल्कुल। तो भाई आपको राहे बगाहे जो है आपको दिखते रहेंगे। तो भाई चैनल पे प्लीज 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 रहिएगा, ठीक है, और देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो जी हमें मैक्सिमम 2 दिन हो गए हैं इधर हरचंद भाई के गांव आए हुए रहीमी और खान। तो यहाँ पे जो ना फेस्टिवल है इनका होली का, तो ये कि हमने कहा चलो यार ये होली का फेस्टिवल, होली का कल्चर दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे रहीमी और खान में हिंदू जो हैं वो होली का जो है कल्चर कैसे मनाते हैं। तो भाई फ़िलहाल ये अभी हरचंद भाई ने ना, मैं बैठा हुआ था तो हरचंद भाई ने आके भाई ये कलर लगा दिया मेरे फेस पे। दरअसल मैं सोया हुआ था तो हरचंद भाई ने आके कलर लगा दिया मेरे फेस पे। भाई मैं फिर उठ के भाई फिर मैंने कहा चलो यार व्लॉग अपना करते हैं स्टार्ट। तो भाई अभी सारी तैयारी शारी भी इनकी होनी है, तो इनकी जो है वो सारी तैयारी भी आप लोगों को दिखाता हूँ, जो जो इनके मतलब इस कल्चर में होता है ना, होली के कल्चर में जो जो होता है वो आपको मैं सारा जो है इस चीज़ का जो है व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा। तो भाई चलते हैं अंदर और जाके, क्योंकि ना जो जहाँ पे सारा कुछ तैयार होने ना वो जगह मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जगह है, यहाँ पर भाई इन्होंने सारा कुछ जाना वो तैयार करना है, मतलब अपना जो भी ये इनका सेटअप होता है वो सेटअप इन्होंने लगाना है। तो भाई फिलहाल अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलते हैं और जाके देखते हैं। तो जी ये हरचंद भाई ने जो है ना ये मेरे पूरे फेस पे जो है ना रंग लगा दिए। हरचंद भाई रंगों की होली है भाई, होली है जी। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये होली कब तक रहेगी आपकी? ये होली कल तक चलती रहेगी, कल तक चलती रहेगी। आज स्टार्ट हो जाएगी, आज स्टार्ट हो चुकी है। आज केक कटना है आपका? आज केक कटना है, आज होली जलेगी 9 बजे का टाइम है होली। यहाँ पे जलाएंगे होली सारी, यहाँ पर सेटअप बना रहे हैं होली जलाने का, और केक भी कटना है अभी। तो और भी लड़के आ रहे हैं, डीजे वगैरह का बंदोबस्त हमने कर लिया, मतलब पूरा पूरा इंतजाम आपने करके रखा हुआ है, पूरा जश्न का इंतजाम होगा, पूरा जश्न होगा थोड़ी देर बाद ना तकरीबन, तो डीजे वगैरह सारा कुछ आ रहा है। चलें जी अब आपको सारी जो है ना तैयारी शैरी दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फायर वर्क इनका होना है, फायर वर्क ही होगा ना, वो जो फायर वो जो होता है बोन फायर टाइप, बोन फायर, हाँ बोन फायर टाइप होना है, बोन फायर इनका यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर जो इनका जो है केक कटेगा, ठीक है, वो केक कटिंग करेंगे, केक कटिंग का सेलिब्रेशन होगा। तो भाई आपको सारा जो है सारा भाई इस ब्लॉग में आपको सारा कल्चर दिखाऊंगा इन लोगों का, कि ये लोग मतलब ये होली जो है ना पाकिस्तान में ये लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं। तो भाई अभी हम लोग निकले हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। हरचंद भाई ने कुछ सामान लेना था, कोई लकड़ियाँ वगैरह ये वो, यहाँ से हमने उठाने कमाल के सूखे हुए पत्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसको एडजस्ट करना है वो जो बोनफायर के अंदर। जी यहाँ पर थोड़ी मिट्टी मिल गई है, वो सामान के पत्ते हम वो उठाते हैं, वो उठाएंगे जबरदस्त। चले जी चले। अब भाई ये यहाँ से जो है ये सूखी लकड़ियाँ जो है ये उठाएंगे और इसको उठा के बोन फायर के अंदर जो है फिक्स करेंगे। ये उठा रहे हैं जो इन्होंने बोन फायर के अंदर लगाने हैं। काम पे लग जाओ साहब, काम पे लग जाओ। ये है ना इसको पकड़ के ऐसे करते हैं, ये फेंकेंगे वो फट जाएगा। अभी नहीं हुआ जो है, पता नहीं है जल्दी क्या हो गया, पुश हो गया। आई थिंक प्रोग्राम तो हट गया, प्रोग्राम तो भर गया, और फिर उस बच्चे ने दे दिया है, ओए हाथ में फट जाएगा ये भी तो डाल देता, ये फटेगा, ये फटेगा सारे मिस है,
नहीं वो देखो ये फटेगा, ये मिस हो गया यार, मैं नहीं मिस हो गया, फटेगा नहीं, मिस हो गया। ये हरचंद भाई फुल कोशिश कर रहे हैं कि ये पटाखा फटे, मगर दो पटाखे तीन पटाखे जो है पुस हो चुके हैं। ऐसी चाइनीज माल है, चाइनीज माल है। हर्षन भाई ने कर दिखाया, कर दिखाया, कर दिखाया और पटाखा फूट गया। फिलहाल हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और रात भी हो चुकी है। ये बच्चे सच्चे सारे भाई इकट्ठे हो गए यहाँ पे, हर्षन भाई के मेहमान भी आ चुके हुए। तो भाई अभी जो है केक सेलिब्रेशन होने लगी है, तो जाके देखते हैं कि जो है होली में जो है केक कटिंग कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद जो है बॉनफायर भी होगा, आपको बॉनफायर भी दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं क्योंकि मैं बाहर वैसे ज़रा चहलकदमी के लिए आया हुआ था, तो अब अंदर मुझे बुला रहे हैं, तो चलते हैं जाके देखते हैं केक कटिंग। आज भाई होली का जो है दिन है, ठीक है, इसके अलावा जो है केक कटिंग सेलिब्रेशन होने लगी है। तो भाई अभी फिलहाल केक काटते हैं, ठीक है भाई का। पहली बात बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने इनवाइट किया, बहुत बहुत मेहरबानी इनकी, बहुत प्यार दिखाया सब भाइयों ने, सब कज़न्स ने, हर्षन भाई ने, मतलब भाइयों की तरह ही ट्रीट किया है। सल्यूट है सबको, सबको प्यार है दिल से। अब काटते हैं भाई केक, काटते हैं होली का और सेलिब्रेट करते हैं जी होली। तो भाई ये जो है केक काटने लगे अब जी, केक जो है कटने लगा है। ये तो जा बोरे तुम भाई, नाइफ पकड़ी हुई है, हैंग हैंग मी आवे, हैंग मी आवे, चलो 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 भाई स्टार्ट हो चुकी है। सब भाइयों ने मिलकर हम लोगों ने की है और अब हम अपने हाथों से अपने दोनों मेहमानों को, दोनों दोस्तों को जो है केक करवाते हैं। भाई आप की टाइम का बात खाने को बना लें, दो फोटो फोटो भाई भी ना यही मैं कह रहा था। तो भाई केक काट लिए, तो भाई केक वाला फंक्शन सारा हो गया, ठीक है, प्रोग्राम सारा हो गया। अब जो है यहाँ पे बॉनफायर होने जा रहा है, जो मैंने आपको जिक्र किया था। अब हर्षन राम भाई जो है अपने मुंह से बताएंगे कि ये क्या सारा सीन, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं है, तो हर्षन भाई आपको खुद ही बताएंगे कि ये सारा सीन क्या होता है। हर्षन भाई सर ये जो ये तैयारी कर रहे हैं, ये देखें, ये आपको मैं तैयारी दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ पे इन्होंने फायर वर्क करना है, ठीक है, ये दिखाता हूँ आपको। हर्षन भाई ये क्या है और ये जो है किस तरह, इसे क्या कहते हैं इसे? ये जी होली जलाने की तैयारी हो रही है, तो इसको अभी जलाएंगे हम होली, और इस पे जो है एक पिलाज भगत होता है और एक पिलाज भगत की जो है भुआ फुफी जान, वो उसकी जो हम लोग कहना दो टहनियाँ होती है दरख्त की, वो तोड़कर इसके अंदर रखते हैं। फिर जो पिलाज भगत होता है उसको निकाल दिया जाता है और जो उसकी फुफी होती है उसको अंदर रहने दिया जाता है, और इसको जो है सुबह फिर ठंडा करेंगे होली को ना, इसके ऊपर पानी डाला जाता है और ये सुबह ठंडी होगी, जबकि अब इसको हम जलाने वाले हैं। तो भाई हर्षन भाई ने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये होली जो है, ये जो ये फायरवर्क होता है, बॉनफायर टाइप होता है, ये क्या, मतलब सारा आपको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपको दिखाएंगे कि भाई इस पे कैसे इसको जो है फायर लगती है, क्या होता है और क्या सारा सीन होता है, तो सारा आपको भाई दिखाते हैं। तो भाई चैनल पे बने रहिएगा। तो जी दोस्तों अभी हमने होली का जो होली जलाने का प्रोग्राम है वो करने वाले हैं, और तकरीबन 10-15 मिनट रह गए हैं होली जलाने में। तो अभी हमने होली जो जलाते हैं ना उसकी सारी तैयारी कर ली, और मेरे हाथ में एक हाथ में है ये पिलाज भगत, ये होली का पिलाज भगत की भुआ। तो भाई हम ये मतलब कि क्यों ये आज भी रस्म को जिंदा रखे हुए हैं, क्या इसकी वजह है? वजह यही है कि पिलाज भगत ने सनातन धर्म की जो है लाज रखी थी, पिलाज भगत यानी कि सनातन धर्म को जिंदा रखा, तो उसी की याद में हम ये होली जलाते हैं और होली भी मनाते हैं। और होली का क्यों जला देते हैं? होली का इसलिए जलाते हैं कि ये अपनी गोद में पिलाज भगत को लेके अग्नि में बैठी, यानी कि आग में बैठी थी, तो ये होलिका जल गई थी और भगत पहलाज की लाज श्री कृष्ण भगवान ने, ईश्वर ने रख दी थी। तो भाई यहाँ पे फुल तैयारी हो चुकी हुई है होली जलाने के लिए, तो भाई यहाँ पे फुल लाना ये लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम होली जला रहे हैं जी, ये जो रस्म, ये बुआ है, ये बुआ है होली का और ये है पिलाज भगत। माचिस लेटर दे,
जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ये पलाज भगत को हमने निकाल दिया है, इसको ये हम पानी जो है ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, और होली का जो है वो जल गई है। तो ये भाई ये फुल आग लग चुकी है, धोके इसके ऊपर छलांग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये भाई ये जो सेलिब्रेशन इन्होंने करनी थी वो सारी सेलिब्रेशन कर ली है होली की। आगे देख लेते हैं, ये जी बाबा जी हैं। ये जी होली की जो सेलिब्रेशन करनी थी इन लोगों ने कर ली है, जो इनको फायरवर्क करना था वो फायरवर्क भी कर लिया इन लोगों ने। तो भाई ये था इन लोगों का होली का कल्चर, जो कि आप लोगों ने इस पूरे व्लॉग में देखा होगा, रंग से लेके जो है कुछ इन्होंने जो है मतलब केक कटिंग भी किया, साथ में इन्होंने ये जो ये जलाया, सारा एक्सप्लेन भी किया उन लोगों ने। तो भाई मुझे हर्षन भाई बुला रहे हैं, तो मैं ज़रा अब उनके पास जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। तो जी ये था इनका आज केक कटिंग का जो है जो इन्होंने केक सेलिब्रेट किया काट के, और फायरवर्क भी किया। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस लास्ट में कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो भाई आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय।